नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे टेक्निकल भगत जी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कहते हैं, IDE। तो इसको क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, मैं बता देता हूँ। तो ये एक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने में, टेक्स्ट करने में, DB++ करने में और या राइट करने में इस तरीके से हेल्प करता है। और जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किसी भी एप्लीकेशन को रन करने में, जैसे कि मान के चलिए ये कोई एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को चलाने के लिए उसके बिना वो चलेगा ही। जैसे कि आपके लैपटॉप अगर उस रन करने के लिए उस एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ता है, जैसा कि आप देखें ये OBS स्टूडियो है। OBS स्टूडियो जब मैं इंस्टॉल किया तो उस समय ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस 2015-2019 का ज़रूरत था इंस्टॉल करने का। इसके बिना ये OBS स्टूडियो इंस्टॉल भी नहीं ले रहा था। तो इससे हम ये जान पा रहे हैं कि घुमा फिरा के ये बात पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए भी ज़रूरत होता है। अगर उस एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस तो वो रखेगा। जैसा कि मैं आपको दिखाया, ये वीडियो एडिटर है। इस एडिटर में आपको 2010 का, 2013 का, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस 2010-2013 ये दोनों ज़रूरत पड़ा इंस्टॉल करने के लिए। ये दोनों के अगर ये दोनों इंस्टॉल नहीं करता तो हो सकता है कि इस एप्लीकेशन में बहुत सारा काम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूँ तो भी ये वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारा काम नहीं करेगा। जैसे कि जिस चीज़ में के लिए रिक्वायर्ड होता है वह काम बंद कर देगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एप्लीकेशन खुले भी ना, ठीक है, तो उसके बिना ये खुले भी नहीं। तो कुछ मिसिंग फाइल को इंस्टॉल कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा होता है कि बहुत सारा एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल उसको रिक्वायर्ड होता है तो वो खुद आपको ले जाता है, मिसिंग फाइल बताएगा। उस मिसिंग फाइल में जाने के बाद आप खुद वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो सिंपल होता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आपको बताएगा भी नहीं लेकिन मिसिंग रहेगा। उस समय आपका सिर्फ नाम शो करेगा कि ये मिसिंग है, उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। कैसे करना है आप देखिए। तो उसको डाउनलोड कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए कोई भी आपको ब्राउज़र ऑन करना है और ब्राउज़र ऑन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है। सर्च में लिखना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस। इसके बाद लिखने के बाद सर्च करना है। सर्च में आपको फर्स्ट में आएगा यहाँ पे द लेटेस्ट सपोर्ट विजुअल सी प्लस प्लस डाउनलोड। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे जो HTTP रहेगा, ये जो कलर में होता है, support.microsoft.com होना चाहिए। ये माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से वायरस आने का चांसेस नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट से करते हैं। इसके बाद यहाँ आना है और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये विजुअल स्टूडियो 2015, 17, 19 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और 2019 का यहाँ पे ये तीनों दिया हुआ है। तो ज़्यादा करके ये होता है X64, लेकिन अगर X86 और ARM64 का ज़रूरत पड़े तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++ और उस जिस तरीके से आपको एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होता है उस तरीके से आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है आपके लैपटॉप में वो एप्लीकेशन रन करने के लिए। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि मान के चलिए यहाँ पे 2015 तक ही था, 15, 17, 19, तो आपको दिखा दूं यहाँ पे 2013 भी है और इसके और नीचे जाइएगा तो और भी मिलेगा 2012, 2010 और शायद 2008 भी है और 2008 है। इस तरीके से